लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल पावर प्लांट गुरुजी में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग जानेंगे एक तो स्टीम टर्बाइन का अंदर में व्हील चैम्बर प्रेशर क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये सारे चीज जानने के लिए वीडियो को स्किप ना करके एंड तक देखते रहिए। एक ठो स्टीम टर्बाइन का परफॉर्मेंस को स्टडी करने के लिए व्हील चैम्बर प्रेशर एक ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। जनरली व्हील चैम्बर फर्स्ट स्टेज यानी कि इम्पल्स स्टेज के बाद में रहता है, उसी इम्पल्स स्टेज जिसमें एंथैल्पी 50-60% ड्रॉप होता है। नोजल इनलेट और इम्पल्स स्टेज का आउटलेट, ये दोनों का अंदर में जो प्रेशर डिफरेंस रहेगा उसको रिप्रेजेंट करता है व्हील चैम्बर प्रेशर। व्हील चैम्बर प्रेशर से पता लगता है कि नोजल में स्टीम का एक्सपेंशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। अगर स्टीम का एक्सपेंशन प्रॉपरली नहीं हुआ होगा तो व्हील चैम्बर प्रेशर इंक्रीज करेगा। यदि सेम लोड में टर्बाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब ये है कि टर्बाइन फॉलिंग हुआ है। व्हील चैम्बर प्रेशर बढ़ने के कारण से टर्बाइन रोटर का एक्सियल थ्रस्ट इंक्रीज होगा। व्हील चैम्बर प्रेशर टर्बो जनरेटर का आउटपुट और उसका इफिशियंसी दोनों को रिड्यूस करता है, इसलिए व्हील चैम्बर प्रेशर को रेगुलरली मॉनिटर किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं किस किस कारण से एक टर्बाइन का व्हील चैम्बर प्रेशर इंक्रीज होता है। नंबर वन पे है, यदि टर्बाइन का ब्लेड में सॉल्ट्स यानी कि जो भी डिजॉल्व सॉलिड्स कैरी ओवर सॉलिड्स वो अगर डिपॉजिट हुआ होगा उसके वजह से। नंबर टू पे, यदि मूविंग ब्लेड या गाइड ब्लेड कोई भी अगर डैमेज हुआ होगा उसके वजह से। नंबर थ्री पे, यदि कंडेंसर वैक्यूम टर्बाइन का फुल लोड में अगर लो होगा तो उस वजह से आपका जो व्हील चैम्बर प्रेशर है वो इंक्रीज करेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो इसको चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।